खुशलानी किचन एंड फैन गैलरी केवल राम चौराहे पर स्थित है, जहां पर आपको सभी प्रकार के पंखे, चिमनी सहित गैस चूल्हा और किचन से संबंधित पूरी रेंज मिल जाएगी। एक बार आप विजिट करें अथवा दिए गए नंबर पर संपर्क करें। मध्य प्रदेश के खंडवा के युवक युवती अब देश व दुनिया में खंडवा का नाम रोशन करने लगे हैं। दरअसल खंडवा के पूर्व विधायक स्वर्गीय आदरणीय हुकुमचंद यादव, जो पहलवान के रूप में जाने जाते थे, उन्होंने खंडवा में कुश्ती और पहलवानी का ऐसा उत्साह पैदा किया जो अब दिखने लगा है। और खंडवा से पहलवान कुश्ती में, पहलवानी में खंडवा का नाम देश व दुनिया में रोशन कर रहे हैं। आपको बता दें कि समाज सेवी सुनील जैन ने बताया कि खंडवा जिले में हर विधा में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। इन टैलेंट को सही डायरेक्शन देना है, सही प्रशिक्षण मिल जाए तो वह अपने हुनर के माध्यम से खंडवा का नाम देश विदेश में रोशन करते हैं। खंडवा के नज़दीक के छोटे से गांव बोरगांव खुर्द में छोटी सी व्यायामशाला में झाड़ पर रस्सी के माध्यम से लटक कर और पुराने टायरों व जिम पर अपनी कला निखार रहे हैं, जहां उनका मार्गदर्शन जगदीश पटेल, रघुनाथ पांजरे करते हैं। बोरगांव खुर्द के नीरज पिता विट्ठल पटेल ने कुश्ती कला में अपना शानदार प्रदर्शन करते हुए जहाँ विगत दिनों राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में झारखंड में सिल्वर मेडल प्राप्त किया था, उसी आधार पर उसका चयन दिल्ली में आयोजित एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी के लिए हुआ था। हरियाणा और कर्नाटक के पहलवानों को पटकनी देकर नीरज पटेल ने शानदार उपलब्धि हासिल की। नीरज का चयन अंडर 17 एशियाई चैंपियनशिप के लिए हुआ है। नीरज पटेल एक दो दिनों में गोंडा पहुंचेंगे और देश के माने हुए कोच से अंतर्राष्ट्रीय मापदंड के हुनर सीखकर किर्गिस्तान के बेश्केक शहर में 17 से 23 जून तक होने वाली प्रतियोगिता में अपना हुनर दिखाएंगे। कुश्ती खिलाड़ी नीरज ने इस जीत का श्रेय अपने बड़े पिताजी जगदीश पटेल के साथ ही कोच को दिया है, जिन्होंने कुश्ती के हुनर सिखाए। दिल्ली में विजय हासिल करने के पश्चात नीरज पटेल आज सुबह 11 बजे कर्नाटक एक्सप्रेस से खंडवा पहुंचे, जहां खंडवा विधायक देवेंद्र वर्मा ने उनका स्वागत किया। साथ ही साथ हीरालाल यादव, रघुनाथ पांजरे, जगदीश पटेल, समाजसेवी सुनील जैन और नारायण भाईती, रामगोपाल शर्मा, अनूप पटेल, ऋषि सोनकर एवं कुश्ती प्रेमियों ने ढोल ढमाकों पर स्वागत किया। बोरगांव खुर्द पहुंचने पर भी ग्रामवासियों ने अपने 16 वर्षीय कुश्ती पहलवान नीरज पटेल का शानदार स्वागत किया। अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती के लिए उन्हें बेस्ट विशेष दी, शुभकामनाएं दी। नीरज पटेल की शानदार उपलब्धि पर सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल, विधायक देवेंद्र वर्मा, मंगल यादव, रघुनाथ पांजरे, हीरालाल यादव, ऋषि सोनकर, सुनील जैन, रितेश गोयल सभी ने पटेल को बधाई दी है। गाँव के जाने करता हूँ, मुझे सिखाने वाले मेरे बड़े पापा जगदीश पटेल हैं और उनके साथ सीना अंकल है, वो सिखाते और सब हमारे खंडवा के सब पोस्ता और ये सब। कहाँ से कुश्ती, कहाँ जा रहे हो कुश्ती लड़ने? मेरा झारखंड गया था, झारखंड में मेरा सिल्वर मेडल लगा था और उसके फिर उसके ट्रायल में एशिया के ट्रायल हुई, फिर वहाँ पर मैंने दो पहलवानों को हराया, उसमें मेरा गोल्ड लगा। उसके बाद अब मैं एशिया खेलने जाऊँगा। अपना नाम बता दो। नीरज पटेल, झारखंड गया था, झारखंड में चार कुछ जीतने के बाद पांचवी फाइनल लड़ा था, उसमें मेरा सिल्वर मेडल आया था। फिर उसके बाद एशिया के ट्रायल में मैंने दो लड़कियों को हराया, हरियाणा और कर्नाटक से। उसमें फिर मेरा एशिया वर्ल्ड उसमें सिलेक्शन हुआ। कहाँ जाएगा? कहाँ जाओ? किर्गिस्तान। क्या नाम लिखते हैं? नीरज पटेल जी। आज ये बच्चे ने उपलब्धि हासिल की है, खंडवा का नाम रोशन किया है, आने वाले समय में देश का नाम भी रोशन करेगा। क्या है पूरी उपलब्धि और क्या बच्चे ने हासिल किया है? ये अभी झारखंड कैडेट खेलने गया था, कैडेट में इसका सिल्वर मेडल लगा था। फिर इसकी एक ओपन टूर्नामेंट में इंटरनेशनल की, एशिया और इंटरनेशनल की ट्रायल होती है, तो अभी जो एशिया की ट्रायल हुई है इसकी, इसमें चार बच्चे थे इसके वजन के, चार में से इसने अपने ये एशिया के ट्रायल में कर्नाटक को 8-0 से हराया और हरियाणा के पहलवान के 3 अंक थे और इसके 11 थे। हाँ, वो फाइनल में पहुंच के इसने फाइनल में फर्स्ट स्थान प्राप्त किया। अब ये कल नंदनी नगर गोंडा
यूपी में इसका एक महीने का कैंप लगेगा। ये 17 जून से 25 जून तक किर्गिस्तान में भारत का प्रतिनिधित्व करेगा। अच्छा, एशियन चैंपियनशिप। अच्छा, क्या नाम है बच्चे का? नीरज पटेल। कहाँ से कोचिंग लेते हैं, कौन है इनके? ये बोरगांव खुर्दा का बच्चा है। अच्छा, बोरगांव, छोटे बोरगांव में कोचिंग लेते हैं। खंडवा से 4 किलोमीटर दूर कोच यही है। कितनी एज है इनकी, कितने और कितना वेट है इनका? ये 45 किलो में लड़ा था ग्रीको रोमन। अच्छा, और उम्र कितनी? एज 16 साल। ठीक, नाम क्या है? नीरज पटेल।